कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है चना मसाला। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेना है, उसमें तेल को गरम कर लेंगे और यहाँ पे ना उस मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उसको बड़ा बड़ा स्लाइस कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको बारीक कोई भी चॉपिंग इसमें नहीं करनी है। एक ऐसी चना मसाला की रेसिपी बता रही हूँ जो बिल्कुल झटपट है और जिसका स्वाद आप हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा 8-10 के करीब लहसुन की कलियाँ ली थी और 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा था, 3-4 हरी मिर्च थी, काली मिर्च थी 5-6, लौंग 3-4 लेना है, खसखस ले लीजिएगा, जीरा 1/2 चम्मच, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा और यहाँ पे मैंने थोड़ा सी ना 1 इलायची का भी दो इलायची का इस्तेमाल किया है। बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है, आप चाहे तो तड़के में बड़ी इलायची तेज़पत्ता डाल सकते हैं। मैंने छोटी इलायची 2 यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम सॉफ़्ट होने देंगे। टमाटर जैसे ही हमारा थोड़ा गलने लगेगा तब ये जो हमारा पेस्ट हम जो बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से सॉफ़्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा। मैंने इस राखी पे चना मसाला बनाया था क्योंकि पनीर खा के हम सब बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे और आप लोगों के साथ भी बहुत सारी पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके चैनल पर देखिएगा। दूसरी कढ़ाई में जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे हम तड़के की पूरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल डाला है, उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, यहाँ पे तेज पत्ता भी डाल देंगे। आपको एक बात बता दूँ, जब हल्दी और लाल मिर्च डालना है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। पेस्ट जो हमने सारे जो प्याज मसाला सब बनाया था ना उसको हम अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट करके इसमें अब हम ऐड कर देंगे। देखिए, लाल मिर्च और हल्दी हमारा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा पेस्ट लग रहा है, काफ़ी थिक भी है और देखते ही देखते इसकी रंग भी बदल जाएगी क्योंकि हमने तड़के में बहुत ही अच्छा मतलब हल्दी और लाल मिर्च का जो तड़का इस्तेमाल किया है ना, इससे हमारी जो ग्रेवी है उसको बहुत अच्छी रंगत मिलती है। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चना मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने को मैंने अलग से बॉईल कर लिया था जिसको मैंने 3-4 सीटी ले ली। 3-4 सीटी लेने में चना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। देखिए, चने को अच्छी तरीके से पकाइएगा, चना मसाला में थोड़ी भी चने में कसर नहीं होनी चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और इसके बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा थिक चना मसाला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। 2-5 मिनट इसको पका लेना है। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और आप देख सकते हो एकदम बेहतरीन और टेस्टी हमारा चना मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरी राखी बहुत अच्छी रही, आपकी राखी कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अपने भाई के लिए इस बार क्या विश मांगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, थाली में सजा ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने थाली में रखा है राइस, मैं जीरा राइस बनाने वाली थी फिर मैंने प्लेन राइस बना दिया, फिर यहाँ पे चना मसाला, फिर मैंने बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर बनाई थी वो यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद गर्मा गर्म बिना देरी करते हुए पूड़ियाँ फ्राई कर ली और इसके बाद सारी थाली को कम्प्लीट करता हुआ हमारा पापड़। तो चलिए फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो में, तब तक के बाय बाय, हर हर महादेव।